हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ जमाल हियर। और हम डार्ट प्रोग्रामिंग कंटिन्यू कर रहे थे, जिसमें हमने एक दो कॉन्सेप्ट डार्ट का देखा था। तो आज की इस वीडियो में हम बेसिकली कवर करेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट। और ये जो कॉन्सेप्ट है, ये आई थिंक हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको मिल जाएगा, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट को सपोर्ट करते हैं। तो इसलिए एक जेनरिक वीडियो होने वाला है। टॉपिक प्लेलिस्ट तो हम डार्ट में रहेंगे, बट ये जो टॉपिक और ये जो कॉन्सेप्ट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट, एक जेनरिक कॉन्सेप्ट होने वाला है, जो कि C++ बोलें या जावा बोलें या हम डार्ट बोलें, उन सब में ये आपको कॉमन मिलने वाला है। ठीक है, तो शुरू करते हैं ये कॉन्सेप्ट। और ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, अक्सर आपको इंटरव्यूज़ में इसके क्वेश्चन देखने मिल जाएंगे। ये बहुत ज़्यादा वाइडली क्वेश्चन पूछा जाता है आपको इंटरव्यूज़ वगैरह में, या फिर जब आप प्रोग्रामिंग करेंगे उस समय भी इसका बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपके क्लियर है तो ये आपके बहुत काम आने वाला है। तो होपफुली कि आई थिंक जितने भी व्यूवर्स हैं सबको बेसिक आइडिया होगा ही, कोई ना कोई ज़रूर कहीं ना कहीं से पढ़ा होगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट क्या है। तो आज की इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि ज़रूर आप कुछ नया जान पाएँ, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे काम करता है, क्या नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट आने से पहले जो कॉन्सेप्ट था वो था प्रोसीड्योर ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट। ध्यान से बात को पूरा सुनिएगा। और इस वीडियो में कोई प्रैक्टिकल आज नहीं होगा, जो भी होगा मैं थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट ही समझाऊंगा। और ज़रूर आप बताइएगा कि आपको कैसा लगा। तो शुरू करते हैं, बिल्कुल शुरू से स्टार्ट करते हैं। थोड़ा लंबा वीडियो होने वाला है क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट के सारे टॉपिक को मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट आने से पहले जो पहले का कॉन्सेप्ट था वो था प्रोसीड्यूरल, ठीक है, या प्रोसीड्योर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम, POPS मान लो या प्रोसीड्यूरल बोलो। प्रोसीड्योर को अगर मैं दूसरी और आसान भाषा में बोलूँ तो ये मैं बोल सकता हूँ कि इट इज़ फंक्शन, और या फिर बोल सकता हूँ फंक्शन ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम। इसका मतलब क्या, देखिए मैं चीज़ों को बिल्कुल सिंप्लीफाइड फॉर्म में लेके आऊँगा, नो डेफिनेशन एंड कोई भी डेफिनेशन का कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी नहीं रहेगा, बिल्कुल आसान भाषा में और बिल्कुल जनरल कॉन्सेप्ट पे लेके आ जाएंगे। आम जो लाइफ है उसके उस चीज़ों में हम उस कॉन्सेप्ट को अगर देख पाते हैं, हमारे आम रियल लाइफ में अगर हम उस कॉन्सेप्ट को देख पाएँ तो आप समझिए कि हाँ चीज़ों को आप जान गए। तो फंक्शन ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम का क्या मतलब है, देखिए ध्यान से बात समझिए। अगर आपको सी याद है, सबको याद होगा बेसिकली, तो हम सी में बेसिकली करते क्या, अगर हमें कोई भी बात बोला जाए सी में कि अगर आपको ये प्रॉब्लम शॉर्ट आउट करना है आप उस प्रोग्राम को सी में कीजिए, तो बेसिकली हम क्या लिखेंगे उसका, एक सिंपली एक फंक्शन लिखेंगे भाई। वर्ड में एक फंक्शन लिख दिया या फिर खुद का एक फंक्शन लिख दिया, एक यूजर डिफाइंड फंक्शन लिख दिया, कुछ भी एक ऐसा काम हम उसमें करते हैं, है ना। ये हमारा फंक्शन था, फंक्शन ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से मतलब आपको कुछ भी करना है, अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको शॉर्ट आउट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक फंक्शन बनाना पड़ेगा, उस फंक्शन के अंदर आप अपना प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व करोगे। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड फंक्शन ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम। कुछ भी अगर अपने को इसमें अंदर करना है तो हमें एक फंक्शन बनाना है। अगर इस डेफिनेशन के लहजे से मैं देखूँ तो भाई ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट क्या हो गया, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मतलब यहाँ पे अगर हमें कोई भी काम करना है तो भाई अपने को बनाना पड़ेगा ऑब्जेक्ट, ठीक है, हमें बनाना पड़ेगा ऑब्जेक्ट। ये होता सिंपल कॉन्सेप्ट। तो अब सबसे पहला क्वेश्चन की ठीक है चलिए मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि भाई मूव करने का जरूरत क्या है। हम प्रोसीड्यूर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम में भी तो प्रोग्रामिंग कर ही रहे थे ना, सी में प्रोग्रामिंग हो रहे थे, सी में अच्छा खासा प्रोग्रामिंग हो रहा था, बहुत सारे सॉफ्टवेयर आपको आज भी देखने मिल जाएंगे जो कि सी में डेवलप्ड है। तो फिर ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट लाने का क्या मतलब था, तो उसका जो सिंगल लाइन अगर मैं एक आंसर आपको दूंगा तो वो होगा टू ब्रिंग रियल वर्ल्ड कॉन्सेप्ट। बट मुझे नहीं लगता कि ये एक लाइन सफिशिएंट होगा आपको ये चीज़ जानने के लिए कि भाई ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट क्या है, और एक लाइन ये काफ़ी नहीं होगा ताकि हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट की खूबसूरती को जान पाए कि वो कितना इम्पॉर्टेंट है और कितनी अच्छी चीज़ है, ठीक है। तो इसके बाद तुरंत ही नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है भाई कैसे, हाउ टू ब्रिंग रियल वर्ल्ड कॉन्सेप्ट, इसका क्या मतलब है, कैसे हुआ ये चीज़, ठीक है। तो अब एक और क्वेश्चन बनता है कि ठीक है अगर मैं से पूछा जाए कि व्हाट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम तो क्या बोला जाएगा। देखिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम सिंपली एक पैकेज है जिसके अंदर ये सारे फीचर्स हैं,
इन सारे फीचर्स को कलेक्टिवली हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम। वो फीचर्स क्या क्या है भाई, क्लास है, ऑब्जेक्ट है ना, उसके बाद अपने क्या है, डेटा एब्स्ट्रैक्शन है, ये एब्स्ट्रैक्शन बोल सकते हैं, डेटा एब्स्ट्रैक्शन है, देन इनकैप्सुलेशन है, उसके बाद पॉलीमॉर्फिज्म है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पॉलीमॉर्फिज्म है, इनहेरिटेंस है और मैसेज पासिंग है ना, और मैसेज पासिंग। तो टोटल को देखिए करीबन शायद 7 टॉपिक, 1 2 3 4 5 6 7 टॉपिक है। तो इन सारे कॉन्सेप्ट्स को हम मिला के बोलते हैं भाई ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम। मतलब अगर हम बोलें कि कोई एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है या वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट को सपोर्ट करता है, मतलब उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू हम क्लास और ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, हम डेटा एब्स्ट्रैक्शंस कर सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म परफॉर्म कर सकते हैं, इनहेरिटेंस परफॉर्म कर सकते हैं और मैसेज पासिंग परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर कोई भी लैंग्वेज बोल दिया जाए कि हाँ ये उप सपोर्टेबल लैंग्वेज है, मतलब उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर ये सारी बातें होनी चाहिए। तो ये तो हो गया पर हमारा व्हाट इज का आंसर, ठीक है, यहां तक तो बात खत्म हो गई। अब जो है ये भाई कैसे टू ब्रिंग रियल वर्ल्ड कॉन्सेप्ट, कैसे ये रियल वर्ल्ड कॉन्सेप्ट को लेके आता है, ठीक है, अब इस बात को समझेंगे। और यही जो है मेन जो पार्ट है इसका, कि कैसे ये रियल वर्ल्ड कॉन्सेप्ट को लेके आता है प्रोग्रामिंग में। अगर हम इस एक एक चीज को समझ लें तो ये ओवरऑल कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो शुरुआत जो है वो हम करते हैं क्लास एंड ऑब्जेक्ट से। वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक क्लास एंड ऑब्जेक्ट, क्या होता है क्लास एंड ऑब्जेक्ट। तो देखिए आपने बहुत सारे डेफिनेशंस पढ़े होंगे क्लास के, ऑब्जेक्ट के, कई सारे किताबों में डेफिनेशंस पढ़ेंगे। तो आज उन सारे डेफिनेशंस को हम साइड रखते हैं और बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। आपने कहाँ कहाँ पे टर्म सुना है क्लास क्या होता है, ये वर्ड आपने कहाँ सुना? अगर आप प्रोग्रामिंग में फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो प्रोग्रामिंग में आने से पहले आपने बहुत जगह सुना होगा क्लास, है ना, क्लास वर्ड कहाँ कहाँ पे सुना। अगर आपको कहीं भी है तो थोड़ा आप वीडियो को पॉज करके सोचिए कि इससे पहले, मतलब प्रोग्रामिंग में आने से पहले, जावा पढ़ने से पहले, सी प्लस प्लस पढ़ने से पहले, क्या मैंने ये वर्ड क्लास कहीं सुना है, क्या है उसका मतलब, क्या होता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट का क्या वर्ड हमने सुना है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग टर्म पढ़ने से पहले क्या हमने ऑब्जेक्ट कहीं पे सुना है, क्योंकि ये दो वर्ड ही सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन कंटेन करता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम का। बाकी सारे फीचर्स को छोड़ दो, अगर मैं बोलूं तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट की 80% जो पावर है, जो उसकी जो एक्चुअल जो उसका स्ट्रेंथ है, वो ये दो टॉपिक में बसता है, बाकी तो जो रेस्ट ऑफ थिंग्स है। तो क्लास एंड ऑब्जेक्ट को मैं समझाने की कोशिश, देखिए जैसे मैंने बताया कि भाई ये जो चीज़ें आ रही हैं, इट इज़ फॉर ब्रिंगिंग रियल वर्ल्ड कॉन्सेप्ट इन योर प्रोग्रामिंग। तो मैं बोलूँगा भाई फिर कैसे, तो मैं हर एक चीज़ों का दो पार्ट बनाऊँगा, ठीक है। क्लास एंड ऑब्जेक्ट जो भी टॉपिक मैं आपको समझाऊँगा उसका मैं दो पार्ट में आपको समझाऊँगा, एक कि जनरल वर्ल्ड में, जनरल रियल लाइफ में वो कहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है ना, और प्रोग्रामिंग में वो फिर कैसे इस्तेमाल हो रहा है, वो दोनों बातें मैं आपको हर एक टॉपिक का समझाऊँगा। तो अगर हम रियल वर्ल्ड की बात करें भाई, रियल वर्ल्ड में क्लास और ऑब्जेक्ट समझाइए। तो देखिए मैं फिर आपको बता रहा हूँ कि मैं पढ़ाते समय किसी डेफिनेशन का इस्तेमाल नहीं करता, ना ही मैं सुनना पसंद करता हूँ। अगर हम किसी चीज़ को बिल्कुल रियल लाइफ से कंपेयर कर लें, मैप कर लें, मतलब हम चीज़ें समझ गए। तो अगर अपने डिस्कस करें कि क्लास क्या है, तो बिल्कुल एक आपने जो भी अभी तक किताबी डेफिनेशंस पढ़े हैं, ये ब्लूप्रिंट है तो ब्ला ब्ला, जो भी पढ़ा आपने उस सबको भूल जाइए। अपने दिमाग में सोचिए क्या आप उस क्लास के डेफिनेशन को एक नॉर्मल 5-6 क्लास के बच्चे को समझा सकते हैं, जो आपने पढ़ा है किसी किताब से, व्हाट इज क्लास, अगर मैं आपको बोलूं तो क्या आप उसे किसी बच्चे को समझा सकते हैं कि क्लास क्या है? अगर आप समझा सकते हैं मतलब आपको क्लास का कॉन्सेप्ट पता है, और नहीं समझा सकते मगर अगर उस बच्चे को आप यही डेफिनेशन बोलेंगे भाई क्लास इज अ ब्लूप्रिंट, तो मतलब आपको नहीं पता क्लास, और उस डेफिनेशन का भी अपने को पढ़ के कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो डेफिनेशन से जो चीज आउटपुट निकल के अपने दिमाग में बैठने को वो मिला नहीं, ठीक है। तो क्लास एक बहुत आसान भाषा में आपको समझाता हूँ क्लास क्या है। तो क्लास इज अ कैटेगरी, सिंपली क्लास इज सिंपली अ कैटेगरी। अब शॉक्ड हो जाओगी कि क्या भाई कैटेगरी क्या है क्लास, कहाँ हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया क्लास में, ये है वो है, और यहाँ हम तो देख रहे हैं ये लिख रहा है कैटेगरी। चलिए ठीक है, इसको एक साइड में करके रखते हैं, अब आगे बढ़ते हैं, एक और डेफिनेशन मैं लिखता हूँ। क्लास
इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर थिंग्स। अगर मैं ये डेफिनेशन बोलूँ आपको तो क्या आपको कॉन्सेप्ट क्लिक किया दिमाग में कि क्या है क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर थिंग्स। चलिए ठीक, अब आगे फिर बढ़ते हैं। देखिए ऐसे जब हम किताबी कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, किताबों में जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं तो अक्सर हम पहले क्लास को पढ़ते हैं और उसके बाद ऑब्जेक्ट को पढ़ते हैं। ठीक है, पहले हम क्लास पढ़ते हैं ऑब्जेक्ट पढ़ते हैं, पर जब हम रियल लाइफ की बात करेंगे ना तो आपको कभी भी पहले क्लास दिखेगा, पहले ऑब्जेक्ट दिखेगा, उसके बाद कोई एक ऑब्जेक्ट आपको दिखा। ठीक है, मान लेते हैं ये कुछ भी एक शेप का मैं एक ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ, ये ऑब्जेक्ट दिखा, उसके बाद हम तय करते हैं कि इसका क्लास क्या है। पहले तो हमें ऑब्जेक्ट दिखता है। अब जैसे आप बोलोगे ठीक है कैसे सर, तो चलिए किसी एक हम कुछ एनिमल्स की बात कर लेते हैं। तो मान लेते हैं हमने एक टाइगर देखा, ठीक है, उसके बाद हमने एक डॉग देखा, उसके बाद हमने एक काऊ देखा, उसके बाद हमने कोई एक और एनिमल देख लिया। इन सारे एनिमल्स को देखने पे हमने क्या किया, इनका एक जेनरिक इनको समझने के लिए, इन सारे एनिमल्स को समझने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए हमने एक कैटेगरी तैयार किया, जिस कैटेगरी का नाम हमने दे दिया एनिमल। क्या नाम दे दिया भाई, एनिमल। ध्यान रखिएगा, हमने पहले इन्हें देखा, इन सारों को देखा, इन सारे के अंदर हमने देखा कि इन सारे के अंदर कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज है, जैसे इन सब के चार पैर हैं, है ना, इन सब के दो कान हैं, इस तरह से इन सारे लोगों के पूंछ हैं। तो फिर हमने क्या किया, इन सारे लोगों को समझने के लिए, इनका पैटर्न समझने के लिए हमने एक कैटेगरी तैयार किया जिसे हमने बोला एनिमल। ठीक है, तो पहले आपने क्या देखा, इसे देखा या इन्हें देखा, पहले तो हमने इन्हें ही देखा ना, फिजिकली तो हम इसी को देख रही। और एनिमल बोल के ऐसा कोई फिजिकल चीज आपके पास एग्जिस्ट नहीं कर रहा जिसे आप देख रहे हैं, एग्जिस्ट तो यही तीनों कर रहे हैं, टाइगर कर रहे हैं, है ना, काऊ कर रहे हैं, बाकी ये जो चीजें हैं ये लोग एग्जिस्ट कर रहे हैं, लायन है, टाइगर है, काऊ है, ये लोग एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो इनको समझने के लिए हमने क्या किया, एक कैटेगरी तैयार कर लिया, और यही कैटेगरी ही कुछ नहीं क्लास कहलाता है, यही कैटेगरी क्लास कहलाता है, जो कि फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता। हमने अपना एक पैटर्न तैयार किया है, हमने समझने के लिए, उन चारों को हमने समझने के लिए, किसे भाई, टाइगर को, काऊ को, लायंस को, इन सबको समझने के लिए, इन सबका जो कॉमन प्रॉपर्टीज है उनको एक जगह करके हमने एक कैटेगरी तैयार कर लिया, और उस कैटेगरी से हम इसको समझ पा रहे हैं। ठीक है, तो ये जो कैटेगरी है यही क्लास कहलाता है। अब देखो जी, सेकंड वाला डेफिनेशन आपको ये बताएगा, क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर थिंग्स। आप देखो इन सारे के सिमिलर कॉन्सेप्ट को अगर हम एक जगह कर दें तो फिर वो एक कैटेगरी तैयार हो जाएगा, एक क्लास तैयार हो जाएगा। और ध्यान से एक बात समझिए, देखिए क्लास कभी एग्जिस्ट नहीं करता, रियल लाइफ में कभी एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, मान लेते हैं कि अपने कॉलोनी में हम लोग 10 लोग हैं, 10 लोगों ने मिलकर हमने एक क्लब तैयार कर लिया। ध्यान से बात समझिएगा, हमने एक क्लब तैयार कर लिया, उसके अंदर 10 लोग हैं। ठीक है, तो भाई पहले तो ये 10 लोग आए, उन्होंने फिर मिलके क्या किया, क्लब तैयार कर लिया। तो ये जो क्लब है ये बस एक हमारा एक थॉट है, हमने एक कॉन्सेप्ट तैयार किया भाई क्लब है। क्लब का एक्चुअल फिजिकल एग्जिस्टेंस तो इन्हीं लोगों से है ना, यही तो मेंबर हैं उसके। तो ये जो चीजें ऐसी फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करती, हम चीजों को समझने के लिए बनाते हैं। ठीक है, अब जैसे फिर एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं, मान लेते हैं कि कुछ सिमिलर काइंड की चीज़ों को कलेक्ट करते हैं। ठीक है, मान लेते हैं हम कुछ बॉल्स ले लेते हैं, अक्सर हमने क्रिकेट खेलते समय कॉस्को बॉल बहुत सारा इस्तेमाल किया है। तो इस तरह से क्या करते हैं, बहुत सारे बॉल ले लेते हैं और फिर इन सारे बॉल को एक बैग के अंदर रख देते हैं, और इस यूनिट का हम एक नाम दे देते हैं, सपोज क्रिकेट बॉल्स। अब ये जो है, ये हमने इन चीज़ों को, पैटर्न को समझने के लिए हमने एक कैटेगरी तैयार कर लिया, और उसके अंदर फिजिकली ये जो है, ये एक्चुअली में ये एग्जिस्ट करते हैं सारे बॉल। तो ये तो क्या था, ये क्लास था। फिजिकली कौन एग्जिस्ट कर रहा भाई, फिजिकली ये जो है, ये जो बॉल हैं वो एग्जिस्ट कर रहे हैं।
और ये जो है जो फिजिकली एग्जिस्ट कर रहे हैं वो हो गए हमारे ऑब्जेक्ट, ये हो गए हमारे ऑब्जेक्ट, ये हो गए हमारे ऑब्जेक्ट, ये हमारे जो एक्चुअल में फिजिकली एग्जिस्ट करते हैं। तो देखिए जो क्लास है वो कभी भी फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता। और एक बड़ा शानदार सा एग्जाम्पल मेरे दिमाग में आया, चलिए वो डिस्कस करते हैं, होपफुली उसके बाद ये जो कॉन्सेप्ट है क्लास और ऑब्जेक्ट और इनके बीच का जो रिलेशन है वो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सपोज कर लेते हैं कि आप एक मैकेनिकल इंजीनियर हैं और आप क्या कर रहे हैं, एक कार ड्रॉ कर रहे हैं पेपर पे, आप एक कार ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। हमने क्या उस इंजीनियर ने एक पेपर पे कार ड्रॉ किया, तो क्या वो पेपर वाला कार से अपने घर आ जा सकता है? नहीं ना। बस देखिए कितना कितना मजेदार क्वेश्चन। आप जिस चीजों को आप किताबों में कई बार पढ़ते हो, कितनी बार ही पढ़ते हो डेफिनेशंस को पढ़ने के लिए, रटने के लिए, समझने के लिए, वो चीज का अगर मैं कॉमन सेंस से एकदम रियल लाइफ एग्जांपल दे दूं तो आप बोलोगे कि इसमें पढ़ने वाला कोई चीज ही नहीं, तो कॉमन सेंस की बात है, बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है। अब आपको मैं बोलूं कि एक इंजीनियर है जो भाई मैकेनिकल इंजीनियर जो कि कार के डिजाइन को बनाता है, उसने एक पेपर पे कार का डिजाइन बनाया, तो क्या आप उस पेपर पे बने कार के डिजाइन से स्टेशन जा सकते हो, घर जा सकते हो? तो आप बोलोगे क्या पागल जैसी बात कर रहा है, कॉमन सेंस की बात है भाई, इससे कैसे जाएंगे। एग्जैक्टली ये जो उसने पैटर्न बनाया ना, ये उसने क्या बनाया, एक कैटेगरी बनाया, एक कॉन्सेप्ट बनाया जो कि लॉजिकली एग्जिस्ट करता है, किसी चीज को रिप्रेजेंट करता है बट फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता। अब ये क्या करेगा, ये कंपनी के पास लेके जाएगा कि भाई मैंने ये जो डिजाइन है बनाया है, आप इसके ऊपर कार बनाइए। अब वो कंपनी क्या करेगा, फिजिकली अब इसके ऊपर एन नंबर ऑफ कार तैयार करेगा और वो जो कार होंगे जो अब इस पैटर्न पे बने होंगे वो फिजिकली एग्जिस्ट करेंगे और वो सारे के सारे कार इसी पैटर्न को फॉलो करेंगे जिस पैटर्न को इसने पेपर पे ड्रॉ किया था। इस तरह से अब वो क्या होगा, इन नंबर ऑफ कार जो है वो तैयार हो जाएंगे और वो हर एक कार हमारा जो है ऑब्जेक्ट कहलाएगा जो कि फिजिकली एग्जिस्ट कर रहा था और ये जो था हमारा जो हमारे पेपर पे था वो हो गया हमारा क्लास। और ये जितने ऑब्जेक्ट होंगे उन सारे के पास वो सेम प्रॉपर्टी होंगे जो आपने, जो इस इंजीनियर ने इस कार पेपर पे डिजाइन करके मेंशन किया था भाई इस कार के ये फीचर्स होंगे, इस कार में ये होगा वो होगा, जो भी होगा जब एक्चुअल कार बनेगा तो उस कार में भी आप देखोगे कि वो सारे के सारे प्रॉपर्टीज ईच एंड इन एवरी कार के लिए अपने ओन इंडिविजुअल कॉपी में बन जाएंगे, ठीक है। तो एक और एग्जांपल देते हैं उसके बाद फिर हम चले आएंगे कि प्रोग्रामिंग में फिर ये कैसे हो रहा है सर वो बताइए। तो चलिए एक और एग्जांपल हम मान लेते हैं कि अगर सपोज जो क्रिएटर है, जो हमारा गॉड है, कैसे ये मेरा एक पर्सनल थॉट है, ज़रूरी नहीं कि यही हो, बट मुझे जो लगता है क्या हुआ होगा कि अगर सपोज ऐसे क्या करते हैं अपने जो गॉड है उन्होंने क्या किया कि भाई चलो ह्यूमन बींग बनाना है, तो उन्होंने एक कॉन्सेप्ट तैयार किया कि भाई ये ह्यूमन बींग है, इसका ऐसा कॉन्सेप्ट होगा कि इसके दो आँख होंगे, एक नाक होगा, ब्ला ब्ला ब्ला, एक ह्यूमन बींग का चलो एक क्लास तैयार कर देते हैं। ये क्लास तो भाई रियली में एग्जिस्ट नहीं करेगा, जब इसका एक पहला ऑब्जेक्ट तैयार होगा उसके पास भी वो सारे के सारे प्रॉपर्टीज होंगे जो इस क्लास में तय किए गए होंगे। उसके बाद दोबारा एक और आदमी बना दिया गया, इसके अंदर भी वो सारे पैटर्न होंगे जो इसके क्लास में तय किए गए होंगे, एक और आदमी बना दिया गया। इस तरह से जितने भी हो एन नंबर ऑफ पीपल बनाए गए, आप देखो कि उन सब के अंदर एक कॉमन प्रॉपर्टीज हैं जो इस क्लास में तय किए गए थे और उस क्लास में तय किया हुआ हर एक चीज, जो भी ऑब्जेक्ट बनता जाएगा, जो भी ह्यूमन बींग बनेगा, उन सर के पास वो सारी चीजें होंगे। बाद में वो अलग अलग इस्तेमाल करके उनकी चीजें अलग हो जाती हैं। सपोज कोई एक बॉडी बिल्डर बन गया, कोई बहुत ज्यादा पढ़ाई कर रहा, तो किसी ने अपनी आंखें खराब कर ली, बट इनिशियली फ्रॉम द जो किड्स वर्जन होते हैं ऑलमोस्ट सबकी सब बिल्कुल एक जैसे ही होते हैं, जनरल केस की अगर मैं बात कर रहा हूँ। तो होपफुली आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि भाई रियल लाइफ में अगर क्लास बोल दिया जाए और ऑब्जेक्ट बोल दिया जाए तो आप समझ पाएंगे। और देखिए आसान भाषा में मैंने समझाया कि जो कुछ नहीं है एक कैटेगरी है, एक कॉमन पैटर्न है जो क्लास कहलाता है, जो कि रियली में कभी एग्जिस्ट नहीं करता। रियली में कौन एग्जिस्ट करता है, ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट करता है। तो अब आप बोलिए ठीक है चलिए यहां तक तो बातें समझ में आई है, प्रोग्रामिंग में अगर बोला जाए कि ये कैसे होगा तो कैसे संभव है भाई। चलिए इस पैटर्न को मैं हटा रहा हूं यहां पे, अभी मैं ये वाली डायग्राम की, वो जो कार वाला डायग्राम है उसकी मैं बात करता हूं। तो चलिए प्रोग्रामिंग में जैसा बोला गया, रियल लाइफ में जैसे कार एग्जिस्ट, ये जो ब्लूप्रिंट है जिसे आप ब्लूप्रिंट किताबों में अक्सर पढ़े होंगे, तो मैंने बोला कि भाई ये तो रियल लाइफ में एग्जिस्ट ही नहीं करता, ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट करता और ऑब्जेक्ट की कॉमन प्रॉपर्टी। अगर मैं प्रोग्रामिंग की बात करूं तो अक्सर पहले क्या होता है कि आप
पहले अपने क्लास बनाते हैं और फिर ऑब्जेक्ट की ओर जाते हैं, है ना। लेकिन रियल लाइफ में ऐसा नहीं है। रियल लाइफ में आपको जो भी आपकी चीज़ें दिखती हैं वो ऑब्जेक्ट होती हैं, और उसके बाद उसका जो है वो क्लास अपने हमने अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए बनाया है। तो यहाँ पे प्रोग्रामिंग टर्म में आप इसको देखोगे तो ये कैसे होगा। तो प्रोग्रामिंग में देखिए, हम अक्सर पहले क्लास बना देते हैं। मान लेते हैं कि आपने क्लास बनाया, क्लास ए, ठीक है। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, जनरली दो वेरिएबल ले लेते हैं, ए और बी, और एक सब उसको एक फंक्शन ले लेते हैं सम, ठीक है। हमने एक फंक्शन ले लिया। अब ये क्लास है, देखिए जब तक ये क्लास है इसका कोई इस्तेमाल नहीं है, कोई यूज़ नहीं है, इसे हम यूज़ ही नहीं कर सकते, ठीक है। इसको एक अलग सेपरेट मेमोरी मिलता है जो इनके फंक्शंस होते हैं, या फिर इनके अंदर कोई मेन फंक्शन या स्टैटिक है, बाकी इसको कोई मेमोरी नहीं दी जाती है रैम के अंदर जहाँ पर ये स्पेस एलोकेट कर सके। तो कैसा होता है भाई, फिर जैसे ही हम इसका पहला ऑब्जेक्ट बनाते हैं, जैसे ही हमने इसका पहला ऑब्जेक्ट बनाया, ए ओ बी वन इज इक्वल टू न्यू ए, मैं जावा का पैटर्न फॉलो कर रहा हूँ, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो क्या होगा, क्या इसका एक एंटायर कॉपी, इस पूरे चीज़ का एक एंटायर कॉपी तैयार हो जाएगा ओ बी वन के लिए, जिसका मालिक कौन होगा भाई, ओ बी वन। ध्यान रखिएगा, इसका सब कुछ करता धरता ये ओ बी वन ही है। ओ बी वन का ए है, ओ बी वन का बी है, ओ बी वन का सम है। वो जैसे ही हमने क्या किया, इसका एक दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया ओ बी टू, फिर वैसे ही क्या होगा, इसका एक कंप्लीट कॉपी, इस कॉन्सेप्ट का एक कंप्लीट कॉपी एक्चुअल में फिजिकली तैयार हो जाएगा, किसके लिए, ओ बी टू के लिए। फिर जैसे ही हम क्या करेंगे, ओ बी थ्री, हम जैसे ही हमने तीसरा ऑब्जेक्ट बनाया ओ बी थ्री, वैसे फिर क्या होगा, इसका एक कंप्लीट कॉन्सेप्ट तैयार हो जाएगा, किसके लिए, बिल्कुल इसके लिए, ओ बी थ्री के लिए। तो ऐसे करके अब हम इन नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट बनाते जाएंगे, हर एक ऑब्जेक्ट का अपना ओन प्रॉपर्टी ए बी सम क्रिएट हो जाएगा बिल्कुल इंडिपेंडेंटली, उनका दूसरे ऑब्जेक्ट के ए बी और सम से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, हम कम्युनिकेट करवा सकते हैं, उसके लिए भी फीचर अवेलेबल है उसके अंदर, तो वो बाद में समझते हैं, पहले ये समझ लेते हैं कि हर ऑब्जेक्ट का अपना ओन प्रॉपर्टी क्रिएट होगा, और वो प्रॉपर्टी किसके बेसिस पे तय होगा, जो आपने क्लास बनाए हैं। तो पहले हमने क्लास बनाया, उसके बाद हमने क्या बनाया, ऑब्जेक्ट्स बनाए, और हर ऑब्जेक्ट्स के अपने ओन प्रॉपर्टीज और जो मेथड्स हैं वो क्रिएट हो गए। तो इतनी बात होपफुली आपको समझ में आई होगी। तो और एक चीज बहुत अच्छी बात है यहाँ पे, जो है हम यहाँ जो टर्म इस्तेमाल कर रहे हैं ऑब्जेक्ट, क्या कभी आपने सोचा है कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट टर्म ही क्यों इस्तेमाल किया गया, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, व्हाई दिस ऑब्जेक्ट। अभी मैंने बात कर रहा था ना कैटेगरी की क्लास के लिए, तो यहाँ ऑब्जेक्ट टर्म ही क्यों इस्तेमाल किया गया, कभी आपने सोचा है, कभी अपनी किताबों पढ़ते समय ये बात कभी आपके ध्यान में आई, या क्या अभी आपने अपने टीचर से पूछा है कि सर हम ऑब्जेक्ट टर्म ही क्यों इस्तेमाल करते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम ही क्यों, कभी सोचा है आपने। चलिए ठीक है, अगर नहीं सोचा तो एक बार ज़रूर सोचिएगा, पॉज करने से पहले जो मैं बताने जा रहा हूँ उससे पहले एक बार ज़रूर सोचिएगा ऑब्जेक्ट क्या है, ठीक है। और अगर आप कुछ भी जानते हैं तो कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताइएगा। चलिए, ऑब्जेक्ट जो टर्म होता है ना, देखिए ये बिल्कुल सुपरलेटिव कैटेगरी के अंदर आता है, मतलब सबसे टॉप कैटेगरी ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट बनाया गया ये ऐसा बनाया गया कि आप इस कॉन्सेप्ट को जो भी रियल लाइफ में चीजें आपको दिख रही हैं या नहीं दिख रही हैं, जो एग्जिस्ट करती है उस पर ये अप्लाई कर सके। तो भाई उसके अंदर लिविंग नॉन लिविंग सारी चीजें आ जाती हैं। इसके ऊपर बहुत एक मजेदार आपको एग्जाम्पल देता हूँ। सपोज अगर आपके घर पे कोई आया और आप पापा आपके घर पे बैठे हैं, आप रूम खोल के जाते हो, और वहां पे आप रूम खोलने से पहले, या सपोज रूम खोलते हो, आप देखते हो कि आपका कोई अपना एक क्लोज रिलेशन में, सपोज आपकी आपकी मामी चाची, ऐसा कोई बिल्कुल क्लोज रिलेशन जिसे बिल्कुल डायरेक्टली नाम से आप जानते हो, तो आप अगर अंदर से कोई रूम से पूछेगा कि बेटा कौन आया बताइए, तो आप बिल्कुल नाम लेके बताओगे कि हाँ आंटी आई है, चाची आई है, मामी आई है, व्हाटएवर, बिकॉज आपको पता है ये एग्जैक्टली कौन है। लेकिन सपोज कि अगर हमें नहीं पता हो कि कौन आया है, अगर हम किसी अननोन आदमी को देख लें और अंदर से अगर आपसे पूछा जाए कि बेटा कौन आया बताइए, तो आप क्या बताइए, क्वेश्चन आप थोड़ा सा सोचिए, रोकिए आप वीडियो को और सोचिए कि आप क्या बताइएगा, है ना, आप क्या भी कीजिएगा, उसके कैटेगरी को पकड़िएगा, क्योंकि आपको तो नाम नहीं पता, तो आप उसको कैटेगरी को पढ़िए, भाई कोई लोग आए हैं, है ना, या फिर कोई लेडीज आई हैं, या फिर भाई रिश्तेदार, आप क्या पकड़िए उनकी कैटेगरीज को पकड़ लीजिएगा, बिकॉज हमें नहीं पता। तो वैसे ही जब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट को बनाया गया, तो इससे ऐसे बनाया गया कि हमें बिल्कुल टॉप लेवल कैटेगरीज पे इसे रख दें, ताकि इसके अंदर जो कुछ भी है सबके ऊपर ये एप्लीकेबल हो। सो दैट वाइज द टर्म यूज ऑब्जेक्ट,
ऑब्जेक्ट क्या है, बिल्कुल सुपरलेटिव कैटेगरी। आप इस दुनिया की कोई भी चीजें देख लो जिसके बारे में आपको नहीं पता, आप उसे ऑब्जेक्ट बोलते हो। हम जिसके बारे में बिल्कुल नहीं जानते उसे हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। अगर हम एग्जांपल ले लें तो हमने अपने टर्म यूएफओ सुना होगा ना, यूएफओ अनआइडेंटिफाइंग फ्लाइंग ऑब्जेक्ट। हम एरोप्लेन को क्यों नहीं बोल देते भाई कि ये यूएफओ है, उसके साथ पीछे ऑब्जेक्ट टर्म क्यों नहीं इस्तेमाल कर लेते, क्योंकि उस फ्लाइंग ऑब्जेक्ट के बारे में हमें बिल्कुल भली भांति पता है, हमने उसे इससे नेमिंग कर रखा है। बट ऐसे ऑब्जेक्ट के बारे में, जब ऐसी चीजें जिसके बारे में हमें नहीं पता, इसलिए उसके साथ क्या जोड़ दिया जाता है, ये ऑब्जेक्ट है, अनआइडेंटिफाइंग फ्लाइंग ऑब्जेक्ट। हमें नहीं पता वो क्या है, इसलिए हमने उसे साथ क्या जोड़ दिया, ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट के अंदर सारी चीजें आ गई, लिविंग नॉन लिविंग, ऐसा कोई भी कैटेगरी के बारे में हम नहीं जानते, वो सब सुपरलेटिव कैटेगरी के अंदर आ गया। तो उसकी अगर आप ये चीज जो ये कॉन्सेप्ट बन रहा है, अगर वो ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई हो गया, मतलब ऐसी सारी चीजें दुनिया में जिसे हम देख सकते हैं या नहीं देख सकते, जो है उसके ऊपर ये एप्लीकेबल है। That's the term used object here. Hopefully ये चीज़ आपको सुन के अच्छा लगा हो। आप भी अगर इसके बारे में अगर कुछ जानते हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखिए। चलिए तो इस टॉपिक के साथ, इस कॉन्सेप्ट के साथ हमारा ऑब्जेक्ट और क्लास का रिलेशन समझ में आ गया। रियल लाइफ में ऑब्जेक्ट और क्लास क्या है, और प्रोग्रामिंग में ऑब्जेक्ट क्लास क्या है, कैसे ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है, होपफुली ये बात आपको समझ में आई। नहीं समझ में आई कमेंट में बताइएगा, और समझ में आई तब भी बताइएगा, ठीक है। तो उसका जो सबसे बड़ा दो कॉन्सेप्ट था वो हमने जाना, क्लास और ऑब्जेक्ट। ये ही बात अगर आप समझ गए तो समझिए बहुत कुछ जान गए आप क्लास के अंदर। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट था हमारा डेटा एब्स्ट्रैक्शन, ठीक है। इसके लिए भी मैं क्या करता हूँ, दो पार्ट बना लेता हूँ। एक तो रियल लाइफ एग्जांपल दूंगा, फिर दूसरा एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा कि ये कहाँ पे प्रोग्रामिंग में कनेक्टेड है। तो देखिए, एब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है आधा अधूरा, छिपा हुआ, ठीक है। किसी को उतना ही बात बताना जितना उसके ज़रूरत है, उससे ज़्यादा हम उसे नहीं बताएंगे, यही हमारा एब्स्ट्रैक्शन है। तो आप सोचिए क्या रियल लाइफ में ऐसा होता, अगर आपके साथ कोई एक इवेंट हो जाए, कोई भी एक घटना हो जाए, तो क्या उसके बारे में आप सबको रास्ता चलते सबको बताते फ्री भाई मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ, मेरे साथ, तो लोग आपको पागल बोलेंगे या फिर मारेंगे। तो आप क्या करोगे, रियल लाइफ में जनरली क्या होता है कि हमारे कुछ क्लोजर्स होते हैं। सपोज हमारा तो एक बेस्ट फ्रेंड है भाई, जो बिल्कुल दिन भर हमारे साथ रहता है। एक हमारा बस क्लासमेट है, बस उससे थोड़ी बहुत बातें होती रहती हैं। और एक जो है वो बिल्कुल दूसरे ग्रुप का है, उससे तो बस बात ही नहीं होती हमारी, बस दूर ही दूर रहते हैं, कुछ इस तरीके का। तो जब वो इवेंट आपके साथ होगा तो क्या उसके बारे में हम इसे बताएंगे, क्या हम इसे नहीं बताएंगे, क्योंकि हमें जाता है कि भाई हमें पता है उसे कोई इंटरेस्ट ही नहीं है इसके अंदर, है ना, उस बंदे को कोई इंटरेस्ट नहीं। तो अगर ये जाके उसे बताएगा कि भाई ऐसा ऐसा ब्ला ब्ला ब्ला, तो क्या वो सुनेगा, नहीं उल्टा सुनेगा अपनी, प्लस उल्टा आपको टीज भी करेगा, तो भाई क्या जरूरत उसे बताने का। और इससे इससे हम चलो बस थोड़ा बहुत बता देते हैं, यहाँ ये हुआ था, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि ये उसके ज्यादा काम का नहीं है, इसके काम का तो बिल्कुल भी नहीं है, बट ये जो मेरा बिल्कुल क्लोज फ्रेंड है इसे पता है कि अगर इसे बताएंगे ये इंटरेस्ट भी लेगा, सुनेगा भी, और मुझे कुछ सजेस्ट भी करेगा। तो क्या हम उसके बारे में सबसे ज्यादा इसे नहीं बताएंगे? तो ये होगी एब्स्ट्रैक्शन लेवल की, हम ये तय करेंगे कि भाई किसको इसकी सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन है, जरूरत है, जिसको जितना जरूरत है उतना ही बताएंगे, उससे ज्यादा नहीं बताया जाए, बस यही डेटा एब्स्ट्रैक्शन का मतलब है। एब्स्ट्रैक्शन मतलब आधा अधूरा, छिपा हुआ, जितना भाई आपको जरूरत है उतना ही बताया जाए, उससे ज्यादा नहीं बताया जाए, वो आपके काम का नहीं है। अगर बताइएगा आप तो वो उसे एक्सेप्ट भी नहीं करेगा, उसकी जरूरत ही नहीं होती। तो इसी को हम बोलते हैं डेटा एब्स्ट्रैक्शन। तो अब ये बोलोगे ठीक है सर, ये बात तो चलिए यहाँ पे भी समझ में आ गई, टू रिप्रेजेंट ओनली एसेंशियल थिंग्स, इस तरह की बहुत सारी किताबें डेफिनेशंस आपको मिल जाएंगी, बट यहाँ पे आप रियल लाइफ एग्जांपल भी आपने समझा दिया। और प्रोग्रामिंग में, तो भाई प्रोग्रामिंग में होते हैं अपने पास एक्सेस स्पेसिफायर, जिससे ये हम तय करते हैं कि भाई किस चीज़ की एक्सेसिबिलिटी कितनी रखनी है। अगर हम किसी को प्राइवेट रखना चाहते हैं तो उसे हम बिल्कुल प्राइवेट मेंबर के साथ डिक्लेयर करेंगे, ताकि उससे बाहर का डेटा कोई भी एक्सेस ही ना किया जा सके। प्रोटेक्टेड रखेंगे तो बिल्कुल जो है भाई वो क्लास और उसका जो चाइल्ड क्लास होगा वो उसे एक्सेस कर पाएगा। तो इस तरह से जो है वो डेटा एब्स्ट्रैक्शन को रिप्रेजेंट किया गया, जनरल लाइफ में भी, रियल लाइफ में भी, और प्रोग्रामिंग में भी हम एक्सेस स्पेसिफायर के हेल्प से डेटा एब्स्ट्रैक्शंस को रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट हम चले आते हैं पॉलीमॉर्फिज्म टर्म। पॉलीमॉर्फिज्म, ध्यान रहे मैं यहाँ पे डेफिनेशन वगैरह नहीं लिख रहा हूँ, सिर्फ अपने को कॉन्सेप्ट समझने। डेफिनेशन के लिए तो आपको लाखों हजारों किताबों मिल जाएंगी जिसमें ये सारी बातें लिखी हुई है। जो नेक्स्ट टर्म है वो आता है पॉलीमॉर्फिज्म। कमाल का टर्म है, बहुत मजेदार टर्म है, समझने वाली बात है। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है? देखिए, पॉली का मतलब होता है मल्टीपल, और मॉर्फिज्म का मतलब होता है फॉर्म।
मल्टीपल फॉर्म। अब बोलोगे सर कि ठीक है तो इसका रियल लाइफ एग्जांपल क्या होगा और प्रोग्रामिंग क्या होगा, तो रियल लाइफ एग्जांपल काफ़ी कमाल का है। अगर आप देखोगे, अगर हम बात करें वाटर की, ठीक है, तो आप देखोगे एक ही एलिमेंट अपने तीन फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, एक ही चीज़ अपने तीन फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। वो सॉलिड फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है, वो लिक्विड फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है, और वो गैस के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो क्या इसका जो केमिकल स्ट्रक्चर है वो बदल जाता है क्या? नहीं बदलता है, वो उसका फॉर्म है, एक ही चीज़ है, बस वो अलग अलग फॉर्म में रह रहा है। क्यों रह रहा है? अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। भाई जब रिक्वायरमेंट होती है वो सॉलिड हो जाता है, जब रिक्वायरमेंट होती है नॉर्मल तो लिक्विड हो जाता है, जब बहुत लो टेम्परेचर हो जाता है तो फिर वो गैस, जब बहुत हैवी टेम्परेचर में तो वो गैस हो जाता है, बहुत लो में सॉलिड रहता है नॉर्मल। तो अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंटल पैरामीटर, अगर मैं इसको बिल्कुल स्टैंडर्ड भाषा में बात करूँ तो अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंटल पैरामीटर, ये जो चीज़ है ये अपना बिहेवियर को बदल लेता है, ये अपने बिहेवियर को बदल लेता है अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंटल पैरामीटर। तो बस वही बात अपने को प्रोग्रामिंग में कुछ ऐसा करना है कि हमारे पास चीज़ एक ही हो बट वो काम अलग अलग तरीके से करे, उसका हम एक ही चीज़ का कई सारा फॉर्म बना के रखें। सपोज जैसे एक सम फंक्शन है जो दो इंटीजर को ऐड कर रहा है, फिर वही सम फंक्शन दो फ्लोट को ऐड कर रहा है, वही दो फंक्शन दो स्ट्रिंग को कॉन्कैट कर रहा है ना, वही सम फंक्शन दो स्ट्रिंग को कॉन्कैट कर रहा है, फ्लोट को भी ऐड कर रहा है, इंटीजर को भी ऐड कर रहा है, ऐसे कैसे पॉसिबल है भाई? ऑब्वियसली विद द हेल्प ऑफ दिस पॉलीमॉर्फिज्म। तो हम क्या करेंगे, आपने मेथड ओवरलोडिंग का, फंक्शन ओवरलोडिंग का एग्जांपल जरूर पढ़ा होगा। वो क्या करता है भाई, एक ही सम फंक्शन का कई सारा वेरिएशन तैयार करके रख देता है। अब जब हम उस सम फंक्शन को कॉल करते हैं तो अकॉर्डिंग टू आवर कॉलिंग पैरामीटर, सपोज जैसे हमने यहाँ पे 7 और 8 दिया है, तो यहाँ पे ये क्या करेगा, जाके देखेगा भाई 7 8 का रिक्वायरमेंट, और ये देखेगा हम मेरा कौन सा वेरिएशन है जो 7 8 से मैच कर रहा है, तो देखेगा हाँ ये 7 8 वाला वेरिएशन है जो मैच कर रहा है। तो इस तीन फॉर्म में से ये वाला जो फॉर्म है, इन तीन फॉर्म में से ये वाला जो फॉर्म है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। फिर अगर हम दोबारा सम को कॉल करते हैं और सपोज हम फ्लोट दे देते हैं, सपोज 7.2 8.2, तो फिर इसमें से देखिएगा कि कौन सा वेरिएशन को कॉल करना है भाई, कॉलिंग कौन सी वेरिएशन से मैच कर रहा है, तो ये अपने इस वेरिएशन को एग्जीक्यूट कर देगा। उसी तरह से अगर हम सम फंक्शन को कॉल करके उसमें दो स्ट्रिंग भेज देते हैं ABCD, तो ये देखिएगा कि इसमें से कौन से वेरिएशन को कॉल किया जाए, तो देखिएगा भाई इस वेरिएशन को कॉल कर दो, तो ये वाला जो वेरिएशन है ये वेरिएशन एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो होपफुली बात समझ में आई। तो पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, एक ऐसा बिहेवियर जिसके चलते जो ये मेथड है अपने कई फॉर्म एग्जीक्यूट कर पा रहा, अपने कई फॉर्म को बना दे रहा है, और अब अकॉर्डिंग टू पैरामीटर, यहाँ पे अकॉर्डिंग टू कॉलिंग पैरामीटर, और अगर मैं और अच्छे से डीप में जाऊँ तो अकॉर्डिंग टू फंक्शन सिग्नेचर। अब फंक्शन सिग्नेचर आपको नहीं पता होगा तो चलिए लगे हाथ जान लेते हैं। तो जो नंबर ऑफ पैरामीटर है, जो टाइप ऑफ पैरामीटर है, जो रिटर्न टाइप है, इन तीनों को हम कलेक्टिवली मिला के, नंबर ऑफ पैरामीटर, टाइप ऑफ पैरामीटर एंड रिटर्न टाइप, इन तीनों को कलेक्टिवली मिला के हम बोलते हैं फंक्शन सिग्नेचर। तो फंक्शन सिग्नेचर जिससे भाई मैच करेगा वो जो वेरिएशन है फंक्शन का वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, इसी को हम बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। होप ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया। तो अभी आपने देख लिया प्रोग्रामिंग में इसे भाई मेथड ओवरलोडिंग के जरिए इंप्लीमेंट कर लेते हैं, रियल लाइफ का एग्जांपल तो आपने देख लिया, तो पॉलीमॉर्फिज्म का एग्जांपल भी क्लियर हो गया। अब क्या बचा, अब हम आ जाते हैं इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस मुझे नहीं लगता है कि आपको बताने की ज़रूरत पड़ेगी, या आपने ज़रूर 9-10 में पढ़ा होगा, कई बार अच्छे से पढ़ा होगा, रियल लाइफ में होता है। एक चीज़ मैं इसमें बताना ज़रूर चाहूँगा कि देखिए रियल लाइफ में जो एग्जांपल ही हमें पता है कि भाई आपको बहुत सारी चीज़ें जो अपने पेरेंट्स से मिलती हैं, है ना, आपके पेरेंट्स से बहुत सारी चीज़ें जो आपके अंदर आ रही हैं, तो क्या सारी चीज़ें आ जाती हैं? बिल्कुल, आपके पेरेंट में जितने फीचर्स हैं वो सब के सब आपके अंदर चले आते हैं, तो फिर तो क्लोन हो जाता, एक ही आदमी का, एक ही शक्ल का आदमी सारा दुनिया में आपको दिख रहा होता। तो ऐसा नहीं है, कुछ ही प्रॉपर्टीज आते हैं, कुछ नहीं आते। तो बट ये अभी भी आज के टाइम में भी ये बिल्कुल प्रैक्टिकली तय नहीं हुआ है कि एग्जैक्टली क्या फीचर आएगा आपके अंदर आपके पेरेंट का और क्या नहीं आएगा। हो सकता है कि कुछ फीचर आपके, सपोज आपके पापा मैथ्स में बहुत अच्छे हैं, तो हो सकता है कि आप मैथ्स में अच्छे हों, बहुत ज़्यादा चांस होगा कि आप मैथ्स में अच्छे हों, और ये भी हो सकता है कि आप ना हो। आपका आने वाला जनरेशन में कोई एक मैथ्स का बहुत तेज हो सकता है, दैट इज़ अ प्रैक्टिकल चांसेस इनहेरिडिटी। बट
इस चीज़ को कैसे प्रोग्रामिंग में रिप्रेजेंट किया गया, भाई कोई चीज़ लाना है कोई चीज़ नहीं लाना है, क्या आएगा क्या नहीं आएगा, क्योंकि प्रोग्रामिंग में तो हमें स्पेसिफिक बताना पड़ेगा। इस तरह से हम जो है वो प्रोबेबिलिटी में आंसर्स करके प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते। इसीलिए यहाँ पे क्या किया गया, रियल लाइफ में यहाँ पे भी एक्सेस स्पेसिफायर बनाया गया, भाई जिस प्रॉपर्टी को हम एक्सेस करना चाहें, शेयर करना चाहें अपने चाइल्ड क्लास में, उसे हम कर देते हैं पब्लिक या प्रोटेक्टेड, और जिसे हम नहीं करना शेयर चाहें वो बिल्कुल प्राइवेट कर देंगे। तो जब प्राइवेट हो जाएगा तो वो प्रॉपर्टी क्लास का जो है वो आगे शेयर नहीं होगा, और जो पब्लिक है, जो डिफॉल्ट है, जो प्रोटेक्टेड है, वो अपने आने वाले जो नेक्स्ट जनरेशन चाइल्ड क्लास होंगे उसके अंदर उसका कंटेंट जो है वो आपको शेयर्ड मिलेगा, एक्सेस मिलेगा। यही इसमें स्पेशल बात थी, बाकी इनहेरिटेंस में कुछ भी नया नहीं है। अब बच गया एक और खास बात, दैट इज इनकैप्सुलेशन। ये बड़ा मजेदार कॉन्सेप्ट है इनकैप्सुलेशन। क्या होता है इनकैप्सुलेशन, आपने ये वर्ड सुना होगा कैप्सुलेट, बहुत जगह खाया भी है कैप्सूल वगैरह दवाइयों में, तो ये कुछ टर्म वहीं से लिया गया। इनकैप्सुलेट मतलब अल्टीमेटली कैप्सूल के अंदर हम क्या करते हैं, कैप्सूल के अंदर बाइंड किया होता है, क्या बाइंड किया गया होता है भाई, मेडिसिन। एग्जैक्टली इनकैप्सुलेशन का मतलब कि बाइंडिंग हो रही है, बट ये क्यों करते हैं, चलिए आप मैं एग्जाम्पल आपको देख लेते हैं। चलिए एक दुकान का एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, मान लेते हैं एक छोटा सा शॉप है, इस शॉप को अगर मैं ओवरऑल मेजरली टाइप में बांटूँ तो दो हिस्से में बांट सकते हैं हम, एक तरफ जो है वो है शॉपकीपर और एक तरफ जो है उसका सामान, जो सामान वो रखता है जिसे वो सेल करता है। तो क्या तय, क्या दोनों का काम क्या, सोचो ये शॉपकीपर का क्या काम है, बाहर से अगर कोई भी रिक्वेस्ट आता है कि भाई हमें ये एसेट चाहिए, हमें ये सामान चाहिए, तो क्या आप उस सामान को डायरेक्ट एक्सेस कर पाते हो, सीधे जाके उठाते हो और लेके चले जाते हो, नहीं ऐसा नहीं, दुकानदार मारेगा आपको। तो करते क्या है भाई, ये जो दुकानदार है बाहर यहाँ बैठा है, ये तय करता है, ये दुकानदार तय करता है कि आप जिससे रिक्वेस्ट कर रहे हो उसे हमें कितना एक्सेस देना है और कितना नहीं देना है, ये तय कौन करता है, वो दुकानदार तय करता है। और ये जो एक्सेट है ये तो बेसिकली इन्फॉर्मेशन स्टोर कर रहा है, बट एक्सेस करने का काम और प्रोसेस करने का काम कौन तय कर रहा है, ये दुकानदार तय कर रहा है। उसी तरह से अगर हम एक क्लास की बात करें तो क्लास के अंदर सारा इन्फॉर्मेशन तो वेरिएबल में होता है, तो वेरिएबल तो तय नहीं करता, वेरिएबल कोई एक्शन परफॉर्म नहीं कर सकता, अगर वेरिएबल कोई एक्शन परफॉर्म नहीं कर सकता तो बाहर से कोई भी आएगा, वेरिएबल का डेटा लेगा और चला जाएगा। तो क्या किया गया, क्लास के अंदर एक मेथड को डाल दिया गया भाई, अब ये मेथड तय करेगा कि बाहर से जो रिक्वेस्ट आ रहा है उसे कितना एक्सेस दिया जाए और कितना नहीं दिया जाए। और ये जो वेरिएबल है और ये जो मेथड है, जब हम इन दोनों को एक सिंगल यूनिट में बाइंड करते हैं, वेरिएबल और मेथड को जब हम एक सिंगल यूनिट में बाइंड करते हैं ना, इसी मैकेनिज्म को हम इनकैप्सुलेशन बोलते हैं। और ये जो यूनिट है, इस यूनिट को हम बोल देते हैं क्लास, ये जो यूनिट है वो यूनिट मेरा क्लास कहलाता है, और ये जो मैकेनिज्म है जिसके थ्रू हम वेरिएबल और मेथड्स को बाइंड कर रहे हैं एक सिंगल यूनिट में, वो मेरा कहलाता है इनकैप्सुलेशन। और इसे कुछ बात ही नहीं है, आप एक क्लास बनाते हो, उसके अंदर वेरिएबल बनाते हो, उसके अंदर मेथड्स बनाते हो, दिस इज द ओनली एग्जाम्पल ऑफ इनकैप्सुलेशन। इसमें कोई स्पेशल एग्जाम्पल आपको प्रोग्रामिंग में देने की जरूरत नहीं है, और रियल लाइफ का एग्जाम्पल तो हमने आपको बता ही दिया इनकैप्सुलेशन भी। देखिए मैं डेफिनेशंस नहीं लिख रहा हूँ, बिकॉज वो आपको किताबों में मिल जाएंगे, वो आपको बहुत सारे साइट्स में मिल जाएंगे, बहुत सारे यूट्यूब वीडियोज में मिल जाएंगे, बट मैं चाह रहा हूँ कि भाई कॉन्सेप्ट क्लियर हो। रियल लाइफ एग्जाम्पल अगर आपके दिमाग में एक बार बैठ गया इन कॉन्सेप्ट का, तो फिर आपको दोबारा जिंदगी में डेफिनेशन की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, और जो लास्ट टॉपिक है वो है मैसेज पासिंग। तो बेसिकली तौर पे हमने सब सब देख लिया, क्लास देख लिया, ऑब्जेक्ट देख लिया, डेटा एब्स्ट्रैक्शंस देख लिया, इनकैप्सुलेशन देख लिया, पॉलीमॉर्फिज्म देख लिया, और इनहेरिटेंस देख लिया। तो लास्ट कॉन्सेप्ट इज मैसेज पासिंग। ये भी बड़ा कमाल का चीज़ है मैसेज पासिंग, जैसा ही आपको देख के ही लग रहा है नाम की मैसेज पासिंग। मीन्स मैसेज पासिंग में क्या होता है कि दो ऑब्जेक्ट आपस में क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, इन्फॉर्मेशन को शेयर करते हैं। अब आप बोलोगे सर इसका रियल लाइफ एग्जाम्पल बताइए कहाँ पर मैसेज पासिंग होता है, तो मैं आपको सबसे अच्छा एग्जाम्पल दूंगा कि अगर हम एक ट्रेन का सिस्टम देखें, आपने अक्सर ट्रेन जो है उसमें सफ़र तो ज़रूर किया होगा, आप देखो कि अक्सर कभी कभी ऐसा होता है ना कि इस तरह से यहाँ पे मल्टीपल पाथ वाले तो आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, बट कुछ जगह पे क्या होता है, ट्रेन की पटरियाँ जो है बिल्कुल एक ही जगह पे होती हैं, इतना दूर ये एक ही पटरी है, मतलब इतने दूर में तो दो ट्रेन जो है वो एक साथ काम कर ही नहीं सकते, जा ही नहीं सकते, बट यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे ठीक। तो अब एज्यूम कर लेते हैं कि जो एक ट्रेन है मेरा वो यहाँ पे है और ये यूज़ कर रहा है इसे,
और दूसरा ट्रेन भी अगर यहाँ पे उसी वक्त चलाए तो होगा क्या, कोलाइडिंग होगा। तो बस कुछ वही काम अपने ऑब्जेक्ट के साथ भी होता है। बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे दो ऑब्जेक्ट जो है पैरेलली एक ही एसेट पे काम करने की कोशिश करते हैं, कि रिसोर्सेज को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। उस केसेस में क्या होते हैं, अगर ऑब्जेक्ट्स कम्युनिकेट ना करें आपस में तो ऑब्वियसली दे विल गेट इनटू द क्रैश और डेडलॉक सिचुएशंस। तो क्या होते हैं उस केसेस में, जो दो ऑब्जेक्ट्स आपस में कम्युनिकेशन करते हैं और ये अश्योर कर देते हैं कि भाई एक पर्टिकुलर जो हमारा कोड है जिसे एक बार में कोई एक ही ऑब्जेक्ट एक्सेस करेगा, दूसरा जो ऑब्जेक्ट है वो वेट करेगा। अगर दोनों एक साथ कोशिश करेंगे तो सिवाय कोलाइडिंग के कुछ नहीं होगा, चाहे वो आप कोडिंग की बात करो चाहे वो रियल लाइफ की बात करो। सो दैट इज़ द कॉन्सेप्ट ये जावा में थ्रेडिंग के जरिए से इम्प्लीमेंट करते हैं, और इस तरह डार्ट वगैरह में भी हम इसे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो ये जो सात कॉन्सेप्ट था इसे हमने देखा, जो कॉन्सेप्ट क्या था, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम जिसका जो मेन फंडामेंटल टॉपिक है वो है क्लास ऑब्जेक्ट, ये हमने जाना। उसके बाद हमने डेटा एब्स्ट्रैक्शन जाना, देन हमने समझा पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, उसके बाद हमने देखा इनकैप्सुलेशन क्या है, फिर हमने देखा इनहेरिटेंस क्या है, उसके बाद अपने क्या क्या आ गया, क्लास और पॉलीमर्स इनकैप्सुलेशन इनहेरिटेंस मैसेज पासिंग और पॉलीमर खुद के 1 2 3 4 5 6 7। तो ये सारे वो टॉपिक हमने देखे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट के, जिसे मैंने बिल्कुल रियल लाइफ एग्जांपल दे के आपको समझाने की कोशिश की है कि क्या है क्या नहीं। डेफिनेशंस मैंने इस्तेमाल नहीं किया है। अगर आपको कोई भी बात नहीं समझ में आई हो, प्रॉब्लम हो रहा हो, तो आप कमेंट में लिख के बताइएगा कि हाँ सर ये टॉपिक मुझे नहीं समझ में आया, और अगर अच्छा से समझ में आया तब भी बताइएगा कि हाँ चीज़ें समझ में आई। और काइंडली बस इतना हेल्प मैं आपसे चाहूँगा कि वीडियोज़ को मेरे आप और लोगों को भी शेयर करके दिखाओ, ताकि उन्हें भी पता चले, जाने उन्हें भी हक है कि भाई नॉलेज तो बढ़ रहा है जिसे जहाँ से मिल जाए। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।